सिद्रा आपको सिखाने जा रही हैं, मजा लें, एंजॉय करें, ऐसी स्टेक आपको ये और नहीं मिलेगी। मेरी बेगम को इतना पसंद है गरम खाना, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप तवा साथ रख के बैठा करें। वेरी फनी। जी क्या हाल है आप सबके? आपको चिकन स्टेक खानी हो तो आपको बाहर रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कोविड का खतरा, दूसरी बात ये अच्छी खासी महंगी होती है। अगर उससे मजे की उससे बेहतर स्टेक आपको घर पे मिल जाए और वो भी आपके 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 बेगम के हाथ की बनी हुई, तो मजा ना आ जाए। तो यही रेसिपी सिद्रा आपको सिखाने जा रही है, मजा लें, एंजॉय करें, ऐसी स्टेक आपको और नहीं मिलेगी। Assalamualaikum, welcome back to my kitchen, welcome to Siddha's diary. और आज जो मैंने आपके लिए मज़े की रेसिपी सोची है वो है चिकन स्टेक, ग्रिल चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। अच्छा, अब ये और साइड जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मैश पोटैटोस की। इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 4 चिकन फिलेस, ठीक है, ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं उसको, हम उसको 4 पीसेस में हमने करा लिया है। उसके बाद मुझे मैंने साथ लिए हैं मशरूम्स, मैंने दो तरह के रखे हैं। मैंने कहा था मैं एक तो स्लाइस्ड भी हैं और एक मैंने इसलिए साबुत रखे हैं ताकि मैं आपको बता दूंगी कि उसको किस तरह काटना है, ठीक है जी। साथ मैंने 2 कप चिकन स्टॉक लिए, अगर तो आप मुर्गी की उबाल के उसका ले सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जो क्यूब्स वाली चिकन क्यूब्स होती हैं उसको भी पानी में हल करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मैंने लिए चेडर चीज़ 1 कप, बटर है, सोया सॉस, गार्लिक यानी कि लहसुन के मैंने पीसेस लिए हैं 3, नमक है, दूध है 1 कप, और 1 कप मैंने जो मशरूम के साथ पानी होता है ना, जिसमें मशरूम कैन के अंदर जो पानी होता है कैन वाटर मशरूम का, वो लिया है। साथ मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, ये मैंने लिया है थाइम, या थाइम दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, वो है। और साथ मैंने लिए हैं ऑरिगैनो का, ऑरिगैनो हर्ब जो होता है वो लिया है। 2 पैकेट मैंने क्रीम के लिए हैं, ये किसी भी कंपनी के आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ऑयल है, और साथ मैंने लिए हैं ये हैं ऑलिव जो कि ऑलरेडी पहले से स्लाइस्ड हैं। और मैश पोटैटो के लिए मुझे मैंने ले रही हूँ आलू, जो कि ऑलरेडी मैं 1/2 किलो जो है आलू बॉयल करके छील के मैश कर चुकी हुई हूँ। तो जी अब मैं आपको स्टेप 1 सिखाऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, वो किस तरह करना है, उसमें कौन कौन से हम नई चीज़ें यूज़ करनी है वो सिखाऊंगी। उसके बाद आगे उसकी सॉस बनाना, और एंड में मैश पोटैटो, और सबसे आखिर में उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं ये जो हमारे फिलेज हैं इसके अंदर थोड़े से 3 कट लगा रही हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, वरना आप जो आपका कांटा होता है घर में उससे इसके अंदर होल कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें करती हूँ क्योंकि उससे ज़रा ना मैरिनेट जब आप करते हो तो सारा मसाला जो भी आपने लगाया होता है वो ज़रा अच्छी तरह उसमें मैरिनेट हो जाता है, समा जाता है, कहने लगी थी पता नहीं क्या हो गया, तो वो इजी हो जाता है। और मैं बता देती हूँ कि कांटे से आप किस तरह करेंगे, इस तरह आप हल्का हल्का इसको नो पोप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों कर लेती हूँ, सही हो गया। अच्छा, कोई चीज़ अगर मेरी मिस आउट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं प्रोफेशनली तो ये चीज़ें बताती नहीं हूँ, तो वो मैंने सारा कुछ जो है वीडियो के एंड पे मेंशन किया होगा, ठीक है। आप ये जो हमने फिलेस थी वो हमने इसमें डाल लिए, किसी भी डिश में आप डाल लें। और इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 2 टीस्पून। कोई भी चीज़ अगर मिस आउट हो गई है जो मैंने शायद ना बताई हो, क्योंकि बाद में आके आप लोग एक एक चीज़ कहते हैं ये नहीं बताया, तो वो मैं बता दूँगी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ठीक है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आगे जो है चीज़ें उसमें भी, स्टॉक भी जो मैंने बनाई है उसके अंदर भी मैंने नमक यूज़ किया हुआ है, तो ये ना हो कि ओवर हो जाए। और चीज़ भी जो है वो हम जब उसकी सॉस बनाएंगे, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। साथ अब लेंगे हम
गार्लिक पाउडर, ये मैं हाफ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ, मुझे गार्लिक का टेस्ट एक्चुअली बहुत पसंद है। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह इसके ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आपने ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया है इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे फॉर 15 to 20 minutes। अगर वैसे ओवरनाइट रख लेंगे तो उसका तो बहुत ही फ़ायदा है, लेकिन 15 to 20 minutes विल बी गुड टू। अच्छा जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब बनाएंगे हम इसकी सॉस। उससे पहले मैं ये जो मैंने लहसुन लिया था इसको मैं छील के बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। ठीक है जी, वैसे आपको मैं बताऊँ लहसुन लगाने से ना नेल्स बहुत लंबे होते हैं, मेरे नेल्स में ना जाए मैंने तो काटे हुए, क्योंकि मैंने मेरी जो बहन की छोटू सी बेबी है उसको कभी कभी पकड़ना होता है तो मुझे ज़रा वहम होता है, इसलिए मैंने अपने सारे नेल्स ऑलमोस्ट छोटे छोटे कर लिए हैं। तो जी ये आ गया आपका लहसुन, आप इसको बारीक बारीक काट लें। अभी हमारा लहसुन कट गया, मैंने कहा था मैं मशरूम्स भी आपको ना एक दो काट के दिखा देती हूँ कि इसकी जो लंबी लंबी स्लाइस मैंने बनाई हैं उनको स्लाइस किस तरह किया था। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हमारी कट गई हैं, अब चलते हैं हम अपनी सॉस की तरफ। मैं आपको सिखाऊंगी सॉस बनानी किस तरह है। तो जी चलते हैं अपनी मशरूम सॉस की तरफ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मैं आपको ऑप्शन दूंगी, अगर आपने वो देख लीजिएगा करना हो, जैसे भी आपके लिए इजी हो। स्टार्ट करते हैं बटर से। ठीक है, एक टीस्पून मैंने बटर लिया इसमें। ठीक है, बटर को मेल्ट करने के हैं। अच्छा, बटर के साथ ये एक ट्रिक है जो मैं करती हूँ, आपकी मर्जी है आपने करना है तो करें। कहते हैं कि बटर जो है सड़ता नहीं है अगर उसके बीच में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, वो जो बटर एक थोड़ा जल्दी पक के वेपरेट टाइप हो जाता है ना, वो नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इसमें एक टीस्पून के करीब ही ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। इसके बीच में मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने चॉप किया हुआ था हमारा गार्लिक। ठीक है, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसके बीच में जो मैंने साबुत आधा कप मशरूम्स लिए थे मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें इसके साथ पानी डाल दूँगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी मर्जी है, अगर आप ऐड इन करना चाहें तो, क्योंकि मुझे अनियन पसंद है बिकॉज अली लाइक अनियन, तो मैं जो है इसको इसमें ऐड कर रही हूँ आधी आधी प्याली समझे अनियन। अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहें, अगर आपको अनियन नहीं पसंद है तो आप अनियन नहीं भी डालेंगे, यानी प्याज नहीं भी डालेंगे तो इट्स ओके। आप खाली जो लहसुन है उसके अंदर मशरूम को भून के, तो उसको हम मैं आगे बताऊँगी, उसको हमें ब्लेंड करना है। आप इसी तरह उसको एज इट इज भी कर सकते हैं, वरना इफ़ यू लाइक अनियन लाइक मी एंड माई हस्बैंड, तो आप साथ अनियन भी ऐड कर सकते हो, उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। अब आप देख सकते हैं प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, हमारी मशरूम्स भी जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं, लहसुन जो हम लोगों ने गार्लिक डाला था वो भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसकी मैं आंच करूँगी, इसका चूल्हा करूँगी बंद, और इस सारे इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड करूँगी और फिर उसकी पेस्ट बना के मैं फर्दर आपको बताती हूँ कि हमने मज़ीद सॉस के लिए क्या करना है। ठीक है जी, तो ये मैं ब्लेंड करके आती हूँ। तो जी ये आप देखें, ये इस तरह की वो पेस्ट बन जाएगी जो मैंने वो मशरूम और अनियन और गार्लिक की थी। अगेन, अगर आप अनियन जिसमें से मिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब वही वाले ऑयल के अंदर मैं बिल्कुल थोड़ी सी आधी चम्मच मक्खन की और डाल रही हूँ, और अगेन बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के, और मैं इसको गर्म होने दूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपने बाकी के मशरूम्स और उसको मैं फ्राई करूंगी बटर के अंदर। मशरूम्स अब हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मैं इसके बीच में अब जो मैं डालूंगी वो है दूध, 1 कप जो मैंने आपको बताया था, आप वो डाल दें। 2 कप मैंने आपको चिकन स्टॉक बताई थी वो डाल दें आप। एक कप मैंने आपको बताया था जो मशरूम के ऑलरेडी कैन के अंदर उसका पानी होता है वो हम ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जो इसमें अब हमने चीज़ें ऐड इन करनी है वो है 1 चम्मच छोटी चमची काली मिर्ची का पाउडर, सॉल्ट। प्लीज सॉल्ट को देख के डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी चिकन स्टॉक में भी है और जो हमारे मशरूम्स हैं वो भी थोड़े से सॉल्टेड होते हैं, तो उसको देख के डालिएगा, ठीक है। इसको हल्का सा पकने दें। अच्छा, अब इसमें एक बॉयल आ गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने वो पेस्ट बनाई थी, ये वाली मशरूम वाली, ठीक है। ये आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। अगेन ये आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक पूरा पैक। अच्छा जी, इसमें हमने क्रीम और सारा कुछ ऐड कर लिया है और इसको हमने थोड़ा सा पकने देना है, और साथ इसके अंदर थोड़ी सी मैं काली मिर्ची और ऐड कर रही हूँ। नमक परफेक्ट है, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अब मैं ये ओरिगैनो 1 चम्मची और ये आधी चम्मची डाल रही हूँ मैं थीम, ज़्यादा नहीं क्योंकि इनके ना फ्लेवर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अनदर थिंग, ये जो अभी मैं इसमें ऑलिव्स ऐड करने लगी हूँ वो आपकी ऑप्शन है, कुछ लोगों को ऑलिव्स नहीं पसंद होते, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ, वरना यूजली नहीं डाले होते लोगों ने। थोड़े से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑलिव डाले, ओनली बिकॉज आई लाइक दम, इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप इट यू कैन। और सारे को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको हल्की आंच पे कुक करें, इतना कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक हो जाए। मैं ढक दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट में इंशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। चलिए जी, देखते हैं क्या बना। यस, ये रेडी है, ये बिल्कुल तैयार है। ठीक, हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको हम साइड में रख लेंगे, और अब हम करेंगे अपने चिकन फिलेट्स जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। वो किस तरह करने हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो मैं चिकन निकाल के लाती हूँ, ठीक है जी। आप इधर चूल्हा रख के मैं इसको छोड़ देती हूँ फ्राइंग पैन में हल्की आंच पे। आधी चमची मैंने इसमें बटर डाली है और ऑलमोस्ट 1 चम्मच पूरा मैंने ऑलिव ऑयल का डाला है। ये
ये चीज़ें मेल्ट हो रहा है, मैं अपना चिकन जो है फ्रिज से निकाल देती हूँ। अच्छा जी, ये अब हमारा पैन गर्म हो चुका है। इसके बीच में मैं ये दो जो हमारी मैरिनेटेड फिलेट थी वो डाल रही हूँ। चिकन बहुत जल्दी बन जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रिलर है आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, वरना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसको फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों मेरे चिकन की जो फिलेट हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है जी, इसकी मैंने आंच बंद नहीं करूँगी, इसको सिर्फ मैं प्लेट में निकाल दूँगी और एंड में बताऊँगी इसको हमने सर्व कैसे करना है। इसी के अंदर मैंने वेजिटेबल्स ली हुई हैं, उसमें मैंने लिया हुआ है क्यूकम्बर, कैरेट, और ये ऑलरेडी मैंने आलू लिया है जो कि बॉयल्ड भी और इस तरह स्किन सा कटा हुआ है, ये मैं इसी के उसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, सौते करूँगी अपने ही इसके जूस के अंदर, बिल्कुल हल्का सा स्टर फ्राई करना है आपने इसको। अगर आपका दिल करे मैं इसमें नमक नहीं ऐड करी, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन था उसका अपना भी नमक था, उसमें काली मिर्ची वगैरह आपने देखा ही था जैसे मैंने इसको मैरिनेट किया था। इसको अब हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, अब हमारा आ गया है लास्ट, हमारा जो स्टेप है वो है मैश पोटैटोस। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने पैन जो है उसको हीट कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बटर, 1.5, ठीक है, ये जितने क्रीमी होते हैं ना उतने मज़े के लगते हैं आपके मैश पोटैटोस। हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, और जो हमने ये चेडर चीज ली थी ना 1 प्याली, वो गर्मी से पूरी मेल्ट हो गई है। ठीक है जी, और इस सबको हमने मिक्स होने देना है आपस में, चीज़ को अच्छी तरह मेल्ट होने देना है बाकी मिल्क के साथ, दूध और मक्खन के साथ इसको अच्छी तरह मेल्ट होने दें। थोड़ी देर मेल्ट हो रहा है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्चें, नमक में बहुत थोड़ा समझें आधी से भी कम, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ के अंदर और बटर में नमक होता है, तो ऑलमोस्ट बस आधी चमची नमक डाल रही हूँ। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तेज़ पसंद है, तो वो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ओवर सॉल्टी हो जाता है, वो भी मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, ये अब आप देख रहे हैं मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो हमने उबले हुए मैश किए हुए हमारे आलू थे, ये इसमें मैं ऐड करूंगी। देखें कितना यम्मी लग रहा है, कितना क्रीमी हो गया है, या देखें जी किस कदर आपकी क्रीमी किस्म का मैश पोटैटो बना है। मुझे तो बहुत पसंद है मैश पोटैटो स्टिक्स, वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है जी, इट्स रेडी, सो कम
आपने हिलाते रहना है। अब इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने सारी स्टेक को जो है हमने असेंबल करके सर्व कैसे करना है। ले जनाब, आपको अब थोड़ा सा फर्क महसूस होगा क्योंकि कैमरामैन आ चुका है, क्योंकि कैमरामैन को बहुत भूख लगी थी और उससे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपनी बेगम से पूछने आया हूँ। सिद्रा कितनी देर है यार, बहुत सिर्फ 2 मिनट रह गए, सिर्फ आप मजे कर रहा है। बस आपको मैं असेंबल करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, ये आपने रखे चिकन के अपने फिलेस थोड़े गर्म है, ठीक है जी। उसके ऊपर साथ हम रखेंगे इसकी ये वेजिटेबल्स जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सौते की हुई है, तो वो आप रखेंगे। हाथ से ही डाल लेती हूँ, थोड़ी गर्म है लेकिन। गर्म है अभी ना? हाँ, मतलब तो गर्मा गर्म खाने का आता है, खाना ही स्टेक आता ही गर्म, ठीक है। उसके साथ उस पे हम डालेंगे, मेरी बेगम को इतना पसंद है गर्म खाना, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप तवा साथ रख के बैठा करें। वेरी फनी, ये हुई ना बात, वाह 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 वाह, शक्ल बता रही है कि जायका किस कदर लजीज होगा इंशाल्लाह। गाइस आप लोग देख रहे हैं ना, इसकी शक्ल देख के आपको अंदाजा हो रहा है ना कि कितना मजे का होगा ये। अच्छा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सॉस हम वैसे भी डाल के साथ इन, मेरे जैसे बंदे के लिए रेस्टोरेंट वाली फील देने के लिए। वाह वाह वाह, एक घर का खाना, घर का पका हुआ स्टेक विद रेस्टोरेंट फील, इस नेमत को कैसे जा नहीं सकते ना। हाँ, ये भी है, exactly. बाहर जाने का मसला होता है। वाओ, वाओ, और ये जो है हमारा, इसको मैं डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा नाजरीन को। ये देखें, ये देखें, इसकी आप जरा टेंडरनेस चेक करें चिकन, ठीक है। और ये आ गया आपका साथ अच्छी लगेंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इंस्टा पे फॉलो कर ले, मैं बहुत मेहनत से बहुत प्यार से आपके लिए बनाती, बड़ी गर्मी में बनाती, बहुत गर्मी होती है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो डू कॉमेंट। ख्याल रखिये, ट्राई करना, बताइएगा जरूर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।